जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ही नए सीडीएस को लेकर चर्चाएं तेज हैं। केंद्र सरकार के टॉप लीडरशिप के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। इस पोस्ट को तीनों सेना के कोई भी कमांडिंग ऑफिसर संभाल सकता है, चाहे वो अपने पद पर हो या रिटायर हो चुके हों, लेकिन उनकी उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इस पद के लिए कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है। सीडीएस पद के लिए सेना के कमांडिंग ऑफिसर की शर्त के अलावा कुछ और गुणों की भी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे इस पद की रेस में सबसे आगे हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो नए सीडीएस के लिए जरूरी शर्तों और क्वालिटीज के लिए जारी की गई लिस्ट में प्राथमिकता के साथ तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, सरकार के साथ अच्छा तालमेल रखने वाले ब्यूरोक्रेट जैसा व्यक्तित्व और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना भी जरूरी है। जानकारों की माने तो MM नरवणे और बिपिन रावत के बीच भी अच्छे संबंध थे। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल के पद के लिए बिपिन रावत ने ही नरवणे का नाम दिया था, क्योंकि नरवणे से पहले बिपिन रावत खुद इस पद पर तैनात थे और नरवणे बिपिन की योजनाओं से काफी अवेयर थे। इसी लिहाज से नए सीडीएस पद के लिए MM नरवणे का नाम सामने आ रहा है और सबसे कम वक्त में नरवणे ही रावत का कार्यभार संभालने में सक्षम होंगे। इसके अलावा नरवणे को करीब से जानने वाले लोगों के मुताबिक वो कुशल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ सरकार और सेना के बीच सेतु का काम करने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि वो सरकार के शीर्ष नेतृत्व के भी बेहद करीब हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से समझते हैं। फिलहाल हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।